नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब एजुकेशन बोर्ड को लेकर और पंजाब एजुकेशन बोर्ड की क्या खबर, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो भी छात्र 9वीं और 10वीं के छात्र हैं उनके लिए वीडियो खास होने वाला है, वो भी खासकर जो पंजाब एजुकेशन बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं या अभी वो एडमिशन लेने वाले होंगे, जो भी जिस तरीके से भी जो पंजाब एजुकेशन बोर्ड के तहत स्टूडेंट्स आते होंगे उनके लिए वीडियो खास है। तो मैं आपको बता दूं, पंजाब एजुकेशन बोर्ड को लेकर अपडेट ये है कि अब एजुकेशन बोर्ड ने अपने जो कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को लेकर एक नोटिस जारी किया। उस नोटिस के तहत ये बताया गया कि जो सब्जेक्ट है यानी कंप्यूटर साइंस, ये रिवाइज किया जाएगा, यानी कि इस सिलेबस में कोई खास बदलाव नहीं किया जाएगा, 9वीं और 10वीं का सिलेबस सेम रहेगा। तो वहीं इसमें एक राहत भी दी गई है जो 9वीं और 10वीं के छात्रों को, राहत ये दी गई है कि जो पंजाब एजुकेशन बोर्ड है उसने कंप्यूटर साइंस में से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं उनको हटा दिया और जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको सिलेबस को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया। अगर बात की जाए कि कितने पॉइंट कौन सी क्लास में से हटाए गए, तो मैं आपको बता दूँ कि जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए करीब 15 टॉपिक्स जो थे वो अब सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो ऐसे में काफ़ी बड़ी राहत है 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। वहीं अगर 10th क्लास के स्टूडेंट को लेकर बात करें, तो उनके लिए करीब 23 टॉपिक्स थे उनको कंप्यूटर साइंस के बुक से यानी कि उसके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो कुल मिला जुलाकर 9वीं और 10वीं के जो छात्र हैं उनके लिए 15 और 23 टॉपिक्स को हटाकर उनके जो सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का उसको काफ़ी कम कर दिया गया। इस हिसाब से पंजाब एजुकेशन बोर्ड ये चाहता है कि जो स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन है पढ़ाई का अधिक, वो कम हो। तो इस हिसाब से देखना होगा कि जो पंजाब एजुकेशन बोर्ड का ये फैसला है किस हद तक सही होता है, क्योंकि इस सिलेबस के तहत 2019-20 के एग्ज़ाम होने हैं जो अभी कुछ समय में होंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि जब 2019-20 के एग्ज़ाम होंगे उसका जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट कितना बेहतरीन निकल कर आता है इस बदलाव के बाद। फिलहाल तो पंजाब एजुकेशन बोर्ड को लेकर यही अपडेट है। पंजाब एजुकेशन बोर्ड को लेकर हमारे पास कोई और अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।